अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है? हंस क्यों रहा है यार? जा रहे हैं हम आज रवला कोर्ट एक भाई की शादी पे, साथ कुछ घूमे फिरेंगे। अभी एहसान साहब की नींद नहीं पूरी हो रही पहले से ही, पता नहीं बाद में क्या करेंगे। और आज इस तरह रहे जैसे अमेरिका पहुंचने वाले हैं बस। अपना इंट्रो पहले करा दो, सोएगा मैं शुरू करूँगा। मैं आपको बताना नहीं जा रहा लेकिन पांव पे खड़े हो जाओ। मैं जो ये मेरी पैर ना लाओ जरा, पांव दे तो देखते हो साहब साहब मेरे को है। एक कैलकुलेटर ले दे टोटल बाबा, जितना भी है जितने बनने ने छोटा मोटा साफ कर, कैलकुलेटर भी साफ कर देता नाल ये टोटल कर। यार सच्ची का बड़ा जुगल सीखा यार। अगर अपने पांव पे खड़े हो मैं बताना नहीं करता लेकिन वाह कैन से निकल रहे हैं अभी कोटी चक्की वाले रोड से जाएंगे। ये कितने से लगता है ये वाला? साहब ये पाकिस्तान मोनूमेंट है, आप भी देख लें। कभी वहाँ से बाहर निकला हो तो आपने देखा होगा उसे। अब हम जीरो पॉइंट पहुँचे हैं, यहाँ से इस्लामाबाद हाईवे पे मुड़ जाएंगे। ये सीधी चली जाती है सरीना के पास से होते हुए जाके मरी रोड को टच करती है। ये बाद आई हुए सीधे अकराल चौक जाएंगे, वहाँ से कोटा रोड पे मुड़ जाएंगे। कोटा से होते हुए पतन साइड से होते हुए रावला कोर्ट। रोटी खिला रहे हो एक बार और खानी है ले कार्ड हजरत तक वाले खाया ना मेरे खाने पहले क्या दोबारा भी खिलानी पैसी रोटी। बड़ी प्यारी मस्जिद है यार माशाल्लाह। जी तरह दे रहे हैं हम ज्यादा उधर कहना ना सलाम दा रखा इधर बंदियां ना तेरे मटा ना वैसे ही चक्कर ला ले इधर महीने बाद अच्छा उधर फैमिली है अमेरिका की गलत गल नहीं करनी हां मकासे ने फैमिली है ना फिर इसमें वो मुस्तकबिल है यार मेरा तो कोटा पहुंचाए होटल में भी खाने काम इधर भी खाने काम और काम कोई नहीं है इस भाई का खाने पे गई होते हाथ कामना शुरू हो जाते हैं बस और खाना भी नहीं लेने नहीं छोड़ना चाहिए किधर भी हो।
घूम चुके कहाँ जाना ये थाना रोड है फिर सीधा मिलाद चौक सीधा मेन बाजार थाना रोड पे हो जाए देखते हैं इधर कुछ भी देखते हैं पहले आपका ऑटो जुडिशनल कम्प्लेक्स कोटा अच्छा टेंडर है जो काम कराया ना गड्डी का अच्छा टेंडर तुम दसिया जी हमें सी पीटी जाने था ये अजीब सी मिलती है की जो दाढ़ी साफ रखनी है अच्छी रखनी दाढ़ी लग जाती है ये तो रोला यहाँ पर आप देखें और मैं 6 लाख की लगी है मेरी नाना दर्द में सोच भी नहीं रहा मैं तो नहीं दस ओ नहीं साले कुतरा यार ये देख साले वैसे ये भी देख कुतरा बढ़िया थी शादी नहीं करनी है जी बदू कड़ी कड़ी क्या अभी हो गया बता अपने वैसे आ रहे ना 50 डॉलर आते हैं एक वीडियो में आप तो मेरा देखा लिया ना लाया भी तो नहीं साइकिल मोटर कॉलोनी प्ले करता था वो ट्रांसफर था वो बड़ा पुराना यूट्यूब पर अभी उसने पॉडकास्ट बड़े प्यारे व्यू हैं मौसम भी काफी अच्छा है आज टोयोटा के बाद रोड भी काफी बेहतर हुआ है टोयोटा तक तो रोड बहुत खराब था जगह का नाम है प्यारी जगह थी सोच रहा था छोटी आल्टो भी उनके लिए उसके लिए ईशा के लिए और नहीं वो ज़्यादा था पीछे फिर दाढ़ी तो नहीं दर बचती तो स्विफ्ट ले जाए उसके पास है तो पीछे फिर आल्टो शाल्टो ने ले जाते यूनिवर्सिटी आते जाते रहते और इस दर में पीछे त्रै बच्चे ने त्रै दड़ियाँ गाना शाना क्या आपको जान समझ आना है इसमें हम जल्दी उठे होने सवेरे सोता ही नहीं है रात 2 बजे तक ऑनलाइन होता है सुबह तो देखा ऑनलाइन होता है मैं किसी दिन मिले पूछूंगा तो इनके तरह सोते कितने
अंत समझे आता तो होगा है चौधरी ड्रेसिंग तो एंड है यार एक दिन जब वो तेज नहीं हुआ तो फंक्शन अंदर आज हम बताते हैं अच्छे वाली नहीं इतनी देर में सोचे है ना देख देख के दो त्रै चार चार कंडो पे आ रही है चल चल ले लेने चल ऑटोमेटिक ले लेने हम थोड़े से ऑटोमेटिक से संभव में पता नहीं पड़ता ऐसा हमने तो दो महीने छड़ी सफर है हमारा डेढ़ महीना बस 16 जुलाई हो दी है 15 दिन ये और 8वां महीना बस यार बड़े प्यारे व्यू हैं ये एंजॉय करो यार आप बस हमेशा खाने के और पैसों के पीछे पड़े होते हो 3 लाख रुपया मुंबई से मदद किया तो बैठिया नहीं यार तुझे ना जो घर के देने ना भी जैसे आगे और लोग हम जो घर टोरो लगे हैं अच्छा इसने देने किसी को नहीं है सिर्फ इसे आप लगाई हुई मेरी की बेटी है राम भाई आप आज कैसे एंजॉय कर रहे हैं तंग तो नहीं हो अभी तक सफर इंजॉय करें जिंदगी इंजॉय करें पता नहीं क्या खत्म हो जाए आप बस भागते हैं तो बेहतर पर अमेरिका पहुंचते हैं अभी पाकिस्तान आए हुए हैं पाकिस्तान इंजॉय करें थोड़ी देर में डैम के पास पहुंचने वाले हैं रोड ऐसा ऐसा दोबारा खराब होना शुरू हो गया ना तो डैम के पास से काफ़ी खराब है डैम दूर नज़र आना शुरू हो गया है पहाड़ों के बीच इलाका तो लश ग्रीन है प्यारा इलाका है मिलते हैं और तो डैम खत्म होने के बाद डैम के पास शायद वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है देखते अगर हुई तो बता दूँगी आपको भी दिखाएंगे यहाँ से डैम का एरिया शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है तो ऐसे रोड अब जो है ना इधर से आगे काफ़ी ख़राब है डैम क्रॉस करने का उसके बाद सब काफ़ी सही है बेहतर है हम कुछ दिन पहले भी आए थे इस रोड पर लेकिन इधर तक रात में तो सिटी गाड़ी थी नहीं पता चला ऑफ रोड तैयार की हुई है एहसान भाई ने वो तो उसमें तो जम कटा नहीं देखना पड़ता बाद में जाके दवाई देते हैं कि ये हो गया लेकिन उस टाइम नहीं बोलते बर्दाश्त कर जाते हैं लेन साइडिंग एरिया है डैम के साथ साथ जितना है बारिश में अक्सर यहाँ लेन साइडिंग होती है रोड भी अक्सर बंद ही होता है ये इसीलिए वापसी पे एहसान साहब की पूरी कोशिशें कोटनी दतियाँ जाएँ लेकिन हमारी कोशिश है कि टाइम पर पहुँचे एहसान साहब ने जाके नाइट ड्यूटी भी करनी है आज उनकी ये भी मेहरबानी है आज वसीम भाई मेरे नेटवर्क के स्पॉन्सर हैं जो कि कभी इससे पहले नहीं हुआ तो अभी क्या हो रहा है अभी तक तो मुतमैन नहीं कहते ये रोड ही बेहतर है यार ये बीच में जो सौ तटे हैं ना बीच दिन पर तुमने स्लो थी है ना हम सब में से सिटी हो ना इतने तटों का अगर तटा है ही नहीं मोटर अल्लाह की जगह यार सिटी पे वाकई इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है उसमें गड्ढों का पता भी नहीं चलता ही नहीं पता चला वो पुल था ना ये वाला ये वाला भाई
के कंपनी का नाम गाइड होनी ना सकता हूँ सीमेंट का है सारा लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए ना डेम के साथ साथ जहाँ जहाँ रोड ठीक है तो बहुत ठीक है, जहाँ खराब है तो फिर आप रोड ही बन जाते हैं। बड़ा प्यारा व्यू है यार ये, अभी है ना खराब रोड, जो मोड़ मोड़ेंगे उसके बाद फिर खराब रोड है। मेरे ख्याल में तो खराब वाला खत्म हो गया। आपका ख्याल गलत है, और रोड की उस साइड भी जाके जहाँ से पुल से बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे वहाँ से आगे रोड ठीक सही। रोड ऊपर से बन रहा है, नीचे का ये डैम के साथ साथ जो रोड है काफ़ी ख़राब है। आज तो बारिश नहीं है, वरना बारिश में तो ये दरिया बना होता है, ये भी जितने बड़े गड्ढे हैं। सामने पार डैम के साथ साथ आबादी भी है, कच्चे घर हैं गाँव के। तीन किलोमीटर चार किलोमीटर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऊपर रोड जो बन रहा है काफ़ी अच्छा बना है, अभी देखें उसकी ओपनिंग कब होती है। FWO कर काम कर रही है रोड का। रोड खराब होगी तो बाहर हाँ बस तसली रखें, दरमियान में आ गए भाई, इतना ही ओवर है रोड आगे जो खराब है तकरीबन। मोड़ नहीं अभी खराब है, खान साहब पेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं खराब डेली इसी रूट पे चलते हैं। एक दिन आए थे वो भी सोए हुए आए थे, तो पतन के पुल पे पहुंचे हैं, जो पुराना पुल है जो आजकल चल रहा है, सामने नया पुल भी बन रहा है। रावला कोर्ट इधर से अभी 35 किलोमीटर रह गए, और ये है कि इधर से आगे रोड काफ़ी बेहतर है। चलो बेहतर है, बहुत अच्छा है रोड, बेहतर नहीं रोड है ही नहीं। ऑन द कार्पेट रोड, वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर। वो तो पहले से है यार, अभी इसके आगे यार रोड बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, इससे पहले काफ़ी रोड खराब था। बारह बजे रावला तोड़ आते तो शायद 15 मिनट का सफर है, जो सौ से आते हैं वापस आ जाते हैं। ये नया पुल है जो अभी तक इसकी ओपनिंग नहीं हुई, बाकी ये रोड ने बहुत अच्छा बनाया है।
अब बादल भी आना शुरू हो गए। पुल तैयार है, अभी आगे रोड का काम हो रहा है। बोर्ड तो यार मैं हैरान हूँ। गाने तो ना अज तो बस गाली कोई ना करेगा यार, तेरा गाना यार मेरे प्यारे भी हो यार एहसान भाई। मंजोता पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे ना, अभी तो स्कूल के बाद रोड सही है। रोड ये भी ठीक है हिमाचल, अब तो रोड बहुत अच्छा है। असल अमेरिका के और पाकिस्तान में रोड में बड़ा फर्क है ना, उधर होता था डबल रोड होता पहाड़ी में। अमेरिका से रोड नहीं, गाड़ी कुछ स्लेप वाली बात में नहीं समझा, बाकी मैं समझा हूँ। बकरिया वो वेलकम करनी है, बिल्कुल डरती नहीं है। देख 27 किलोमीटर है ट्रावला कोड और बंजोसे 45 किलोमीटर है। पका तो ही पकौड़े खाएंगे आप, दादा दादा चाचा बना रहे हैं नहीं, पकौड़ा पकवान बना रहे हैं। पकवान पकौड़े दोनों बन रहे हैं, क्या लेने पकौड़े लेने ले पकौड़े। रान भाई क्या था पकवान है ये दोनों क्या रेट है? 20 रुपये। और पकौड़ों का 25 रुपये। आपने पास से डिस्काउंट ना करा, हर जगह पहले ही डिस्काउंट। कौन से हैं, बंग वाले हैं या कुछ और डाला हुआ है? 25 रुपये वाले एहसान भाई लेने से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, पहले ले लिया करें पेमेंट करके फिर खाया करें। ये पता था मेन शहर से हमने बाईपास लिया है, शुजाबाद जाना है हमने, पहले हम बाहर बाहर से निकल आए। बड़ा प्यारा इलाका है, मौसम भी अच्छा है आज। ये गतिविधि उसी भी आते जा रहे हैं, हाँ प्रोटोकॉल दे रहे हैं आपको, वहाँ से आपके साथ ही हैं। ये गड्डी है ना, बारिश शुरू हो गई है, मौसम और ठंडा हो गया है। मंजोसा में वापसी पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ कैसा होता है मौसम। वैसे तो सही ना था, दोबारा दर्शन तो परम भाई प्लेट चुका ले मेहरबानी कर। जी जी वापस आ गए। चला भाई आप थोड़ा कर पकड़ ना यार, चूसा तो पकड़। तूने कहा पकड़, फिर कहता यार छोड़।
जाते हुए इसी रास्ते से आए। सिद्धार्थ साहब कैसा रहा आपका टूर? आपने खाना तो बहुत कम खाया माशाल्लाह, खान साहब की तरह सही 2-3 किलो गोश्त खाया आपने। सुहेल भाई आप मुतमैन हैं इनसे? दूल्हे की कार है दूल्हे ही पहले ही लिखा है कि हम गुलाम हैं। ठीक है भाई, रावला कोट इंटरनेशनल होटल वहाँ से पूरा शहर क्रॉस करना पड़ेगा, बाईपास से ज़्यादातर बंजोसा से रोड निकलती है, तो 10 महीना फंस जाना बंजोसा वही है, तो नहीं है आज छुट्टी है एहसान भाई, कोई बात देख लिया करें। दूसरा बंजोसा वहाँ से पीछे फिर शहर में आना पड़ता है, वो डबल रोड के पास से पीछे थे इधर रोड से जा रहा था, कोट मेन शहर से गुजर रहे हैं। मौसम भी प्यारा है, बारिश हुई उसके बाद काफ़ी बेहतर है मौसम और माशाल्लाह नज़ारे भी प्यारे हैं, बादल छाए हुए फिर से। मुजफ्फराबाद सीएम एच मुजफ्फराबाद नहीं भाई, रावला कोर्ट है, क्या हो गई? अच्छा मैं तो गलती से कह गया ना, अब आपने ठीक कह दिया। खाना ज्यादा खाया ना आपकी तरफ, समझ नहीं आई कोई बात। चढ़ाई नहीं आस पास स्टोर में, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी।